For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. अच्छा बड़ी सारी एक्चुअली बातें बनी. मैं भी बात करना चाहता था इस मुद्दे पे, लेकिन कुछ तो हुआ, लेकिन बहुत कुछ दिखाया भी गया. मैं जिन दिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मैं एक्चुअली अपसेट था. और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आई एम नॉट ए गॉड, हर इंसान गलतियां करता है. मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं परेशान होता हूँ ना तो मैं थोड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब ना, और मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली. आई लव हिम और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहाँ पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं. बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीज़ें ऐसी कुछ हो गई, मुझे, मैं इतना इरीटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही, पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो. जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली. उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों ख़राब होता है. तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, मैंने उनको बोला. तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते. मुझे नुकसान फ़ायदा नहीं तब मुझे समझ में आता है, हम लोग बिजनेस मैन. हम लोग चले गए. जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है. हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पर टैकल करना चाहिए. तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियाँ दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़ क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे. तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला ख़त्म हो गया. उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पे, उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था. मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो. मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव क्योंकि मुझे आदत है. ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए. उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला. मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले मैं सॉरी बोलूँ, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियाँ दे दी जो भी. फिर वो मुझे मिला ही नहीं. फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला. 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नज़र आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियाँ और दी. उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में. तो सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों. पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं. अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी, मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे, मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज़्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है. पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाके ज़रूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, तो शायद कुछ भी नहीं होता. पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम. और कहीं भी होगा सुनेगा तो ज़रूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम.